हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ, आपके साथ आगे क्या होने वाला है और फाइनल आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप की तो पड़ी रहती है भाई, आगे क्या होगा बता दिया, अब रिलेशनशिप में क्या होगा मैम ये भी बता दो। तो ये भी डालेंगे रीडिंग कि आपके साथ आगे क्या होगा एंड रिलेशनशिप का फ्यूचर भी देख लेंगे। इसमें अगर कुछ सब क्यूरीज आती है मन में तो और क्वेश्चन में ऐड कर लूँगी। और आपको रीडिंग ओपन माइंडेड होकर देखना है गाइस, क्योंकि ये तो कार्ड ही बताएंगे क्या है क्या नहीं है, मैं भी नहीं जानती, आपको शायद पता है बट आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, अभी मुझे कार्ड सब आपकी आपकी भी स्टोरी बता देंगे। तो करते हैं अर्कैंजल माइकल को कॉल। डियर अर्कैंजल माइकल, प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके साथ आगे क्या होगा। हमेशा की तरह मैं और मेरे फैमिली मेंबर ऑलवेज थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू अर्कैंजल माइकल, प्लीज आइए और हमारी हेल्प कीजिए। अर्कैंजल माइकल, प्लीज आइए और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके साथ आगे क्या होगा। अब इसमें आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लगभग ये सारे क्वेश्चन इसमें तय हो जाएंगे। प्लीज आइए अर्कैंजल माइकल एंड गाइड मी, प्लीज आइए और गाइड मी जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके साथ आगे क्या होने वाला है। कहाँ पे अटके हो, कोई लीगल मैटर चल रहा है या फिर किसी लीगल मैटर में फंस सकते हो, किसी की डिवोर्स की केस चल रही है, या फिर अगर किसी सिचुएशन में अटके थे मैरिज रिलेशनशिप में, कुछ बातें सीक्रेट है, हिडन है, शुरुआत करेंगे बट एंजाइटी के साथ, स्ट्रेस के साथ एक शुरुआत हो रही है बट स्ट्रेस के साथ, एंजाइटी के साथ, गिल्ट के साथ, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती हुई दिख रहे मुझे आप, अपनी पावर में आ जाएंगे। थोड़ा चतुर बनेंगे आप, लाइफ ने इतना कुछ सिखा दिया है तो इतना तो बनना ही पड़ेगा ना। डेथ, किसकी डेथ मैरिज रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप की डेथ, सिक्स ऑफ पेंटेकल, मेजर शिफ्ट होगा रिलेशनशिप में, बदलाव होगा, सेवन ऑफ फैंस, आगे के कार्ड अच्छा है, हाई प्रिंसेस, कुछ बातें हिडन है, इंटिट्यूली आपको काफ़ी सारी बातें पता है क्या हो सकता है लाइफ में आगे, यहाँ से फोर मंथ या फिर अप्रैल का मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9 महीने 9 साल से आपके लाइफ में बहुत आप पेनफुल एनर्जी से जा रहे हो, आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो अपने आप को इस एनर्जी से निकालने की, क्योंकि आपके मैरिज रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ बातें सीक्रेटिव थी, एक फीमेल की एनर्जी मुझे लग रही है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रिलेशनशिप में हुई है, बट यहाँ पे किसी सिचुएशन का एंड हो रहा है, कम्प्लीटली डेथ की एनर्जी आई है, उसके बाद इक्वल गिव एंड टेक, जिससे कि आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी एक मेजर शिफ्ट के बाद। अपने आप के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे, जैसे तैसे करके आप स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हैं, एट ऑफ सोर्स की एनर्जी देखते हैं किसकी चल रही है डिवोर्स के लिए, या तो आप आपके स्पाउस फोर्स कर रहे हैं डिवोर्स के लिए, कुछ बातें सीक्रेट हो सकती है, कहीं पे भी साइन मत करो, किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट मत करो, किसी के मेजर हेल्थ इशू हो रहे हैं, क्योंकि एक हालात में एक सिचुएशन में यहाँ पे आप अटक सकते हैं या फिर आपको कोई अटका सकता है,
मैजिशियन की एनर्जी है। देखिए, आप अपने लाइफ के क्रिएटर तो बनते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। लंबे टाइम से आप हीलिंग प्रोसेस में हो, मीन्स बहुत इमोशनली पेन हो, जैसे टूट गए हो, बट इस वक्त अपने आप को संभालने में, स्ट्रांग करने में लगे हो। जब भी किसी ऐसे सिचुएशन में हम अपने आप को स्ट्रांग करते, ये ऑल्सो अगेन अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। और कुछ हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, इसके बाद भी अपने आप को काफ़ी हद तक स्ट्रांग बना लिया है। अब शायद आप ऐसी एनर्जी में आगे जाएंगे कि आप अपनी लाइफ को खुद ही क्रिएटिव करेंगे, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से आप मैनिपुलेट करेंगे, जैसे चाहते हैं वैसे आप अपनी लाइफ को लाएंगे, अपने मैरिज रिलेशनशिप को उस तरीके से क्रिएटिव बनाने की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप में मुझे आती हुई दिख रही है। हालांकि यहाँ पे किसी के लंबे टाइम से कोई हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, तो उसमें रिकवरी तो नहीं होंगे, बट आपके हेल्थ इश्यू बढ़ सकते हैं, बी केयरफुल। कुछ बातें आपसे सीक्रेट है, कुछ हिडन रहेंगी बातें, इस बात का आपको मलान है बहुत, ये बात बहुत दिल को बुरी लगेगी आपको। आपके मैरिज रिलेशनशिप में कुछ सीक्रेटिव बातें लगातार आपके स्पाउस से हो रही है, और इंटीट्यूली आपको ये बातें पता है, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, आपको पता है सारी बातें। या तो आप एनर्जी वाइज सारी बातें भाप लेते हो, या तो आपको इंटीट्यूली कुछ ड्रीम आते हैं, कुछ साइन आते हैं, या फिर खुद ब खुद आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि डिवाइन आपको देना चाहती है, वो सारे मैसेजेस आपको मिल जाते हैं। और जब आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ बातें सीक्रेटिवली आपसे हिडनली हो रही है, इस बात को लेकर बहुत आपको दुख होगा। एक बात दूसरी ये भी रहेंगी कि आप जो इमोशनल सपोर्ट अपने स्पाउस से चाहते हो, शायद वो आपको नहीं मिलेगा, और इसीलिए भी आपको लगेगा कि आप अकेले हो। ऐसा फ्रांड्स के नज़दीक ही है, देखिए ऐसा फ्रांड्स को वेरीफाई कर रहे हैं मून। एक आपके लाइफ में एक शुरुआत हो रही है, बट इमोशनल अबैंडमेंट जैसे एनर्जी है कि इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस ऊर्जा में, उस एनर्जी में। आपको भी पता है कि आप कोशिश कर रहे हो, आप शुरुआत कर रहे हो, लाइफ को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी आपसे बहुत कुछ बातें हिडनली हो रही है। यहाँ पे मुझे किसी किसी के लिए ऊपर स्पेल वर्क किया जाने की भी एनर्जी, आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क हो रहा है, और धीरे धीरे करके स्पेल वर्क कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये स्पेल वर्क इसलिए भी हो रहा हो शायद कि आपकी मैरिज रिलेशनशिप खराब हो जाए, आपको हेल्थ इश्यू हो जाए, आपकी रिलेशनशिप में वो स्टार्ट ना हो, स्टेबिलिटी ना हो, इसीलिए स्पेल वर्क हो रहा है। कोई जजमेंट का साइन है लाइफ में, एक बहुत मेजर शिफ्ट, क्योंकि डेथ भी आया जजमेंट पर, एक मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में होगा। आपको हेल्थ इश्यू आपके, सॉरी टू सी यू, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। डिवाइन का कुछ ऐसा फैसला होगा जो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है ये फैसला आपको तोड़ के रख दे, आप परेशान हो जाएंगे, आप दुआ ही मांगते दिख रहे यूनिवर्स से, डिवाइन से कि कुछ रहम करो। बट अभी शायद आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि जो बात आप मांग रहे हो आपके लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है। जस्ट एक अटैचमेंट इश्यू है आपको, या तो रिलेशनशिप या फिर पर्सन को लेकर, पर शायद ये पर्सन उस लायक है नहीं, और इसलिए डिवाइन अपना फैसला सुनाएंगे, आपकी बात कुछ नहीं मानेंगे। या फिर लंबे टाइम से आप किसी हालात की, किसी सिचुएशन का शिकार हो, इसकी वजह से आपने सब कुछ खो दिया, अपना हेल्थ इश्यू खो दिया, अपनी स्टेबिलिटी, मानसिक शांति, आपने सब कुछ अगर खो दी है, तो यहाँ पे डिवाइन अपना फैसला करेंगे। अब ये फैसला आपके लिए भी हो सकता है, आपके खिलाफ भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इशू में अटके हो तो ये फैसला आपके खिलाफ रहेगा। अगर आपने काफ़ी हद तक अपने आपको बैलेंस कर लिया और आप रेडी हो डिवाइन के किसी भी फैसले के लिए, दैट मीन्स ये फैसला योर फेवर में होगा। हाँ, आपको रहेगा प्रॉब्लम, आपको रहेंगी इमोशनली आप इम्बैलेंस रहेंगे, बट ये फैसला तो फैसला है। यू हैव फ्रेंड्स के नजर की मंजर, यह बहुत सोच समझ, बहुत ओवर थिंक करने वाले हो, क्योंकि जो कुछ चल रहा है ना आपके लाइफ में, आप सोच बहुत रहे हो, आपको आदत नहीं है बट आप सोचने पे मजबूर हो, और आप अपनी हर एक्शन बिल्कुल सोच समझ कर लेंगे। कोई भी एक्शन, कोई भी लाइफ में बड़ा मेजर स्टेप उठाना है तो सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि क्या होना कि लाइफ में इतना कुछ ट्रॉमा ऑलरेडी घट चुका है कि इस बार कोई भी एक्शन लेने के आप में इतनी डेयरिंग नहीं है, आप में वो हौसला है, आप में वो साहस है, आप में वो करेज है, बट फिर भी आप सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, सोचेंगे कि आपके पेंटेकल के ऊपर कैसे काम किया जाए, अपने अबंडेंस को कैसे बनाया जाए, कैसे और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया जाए, इस बात के लिए भी आप सोचेंगे।
और देखते हैं डेथ की एनर्जी क्यों दी है एंजल आपने। जी हाँ, या तो किसी चीटिंग की वजह से आप खुद इस रिलेशनशिप को एंड कर देंगे, या फिर आपके लाइफ में अब तक जितनी चीटिंग हो रही थी आपके पर्सन की ओर से, तो उसका एंड हो जाएगा, क्योंकि एक मेजर बिग शिफ्ट है। इसके बाद की एनर्जी अच्छा है, इसीलिए मुझे लगता है कि जो चीटर था या फिर जो चीटिंग एनर्जी हो रही थी आपके मैरिज रिलेशनशिप में, उसका एंड होगा, क्योंकि फाइनल आउटकम में और मुझे समझ में आ जाएगा कि ये क्या एनर्जी थी। आप बस इन दोनों कार्ड को आप अपने माइंड में रख लेना, इनको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। सिक्स ऑफ पेंटेकल्स एंड सेवन ऑफ वैंड, जी हाँ, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा और लाइफ आपको पटरी पे लाएंगे। 7-7 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है 7-16, अप्रैल भी नंबर आया है, 4 की एनर्जी आई है। बहुत डिफेंसिव रहेंगे आप, प्रोटेक्ट करेंगे आप इंटीटली। जी हाँ, एट ऑफ पेंटेकल्स, कोई अपॉर्चुनिटी कोई लॉस होता हो मुझे दिख रहा है आपका। जी हाँ, अगर वर्क अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कोई ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना पड़ेगा जो आपकी ड्रीम कम ट्रू अपॉर्चुनिटी थी। हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर भी हो, क्योंकि आगे आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये आपने आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फिर रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो। इसको एक बार और क्लियरिफाई करती हूँ। फॉर अप कप की है एंजल, या तो कोई अपॉर्चुनिटी या फिर आपके पर्सन जिनको हमेशा इन आउट करने की आदत है, तो हो सकता है अगेन ये पर्सन आपको चीट करके वापस चला जाएगा और इस बात को आपको लगेगा कि शायद एंड ही कर देंगे आप इस रिलेशनशिप को। एंड करने के बाद कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा बुरा, या फिर जो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्दी आनी आपको एक्सपेक्ट है वो आएगी तो नहीं, बट वो जाने का थोड़ा गम मनी से रिलेटेड कुछ लग रहा है। दोनों पार्ट्स के नजर के लिए आप बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप हो या कोई काम वर्क हो, बट वो अगर नहीं मिलेगा तो थोड़ा अब मायूस हो जाएंगे। जी, आपके डिफेंसिव के 777 की एनर्जी आई है, डिफेंस 444 एंड 777 नंबर, 4 times 7 नंबर, अरे बापरे 7777 5 times 7 नंबर। ये 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, 7-16 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर 7 days 7 week, या फिर 16 days 16 week, कुछ ऐसा होने वाला है लाइफ में। बैलेंस करेंगे, जगलिंग में रहेंगे आप, हालात कुछ इस तरीके से बिगड़ जाएंगे कि इनको बैलेंस करना आपके लिए एक चैलेंज ना बन जाए, क्योंकि आपको कोई छोड़ना नहीं है, आप किसी को नहीं छोड़ने वाले हो। उस स्ट्रांग एनर्जी में आप आ रहे हो, उस पावरफुल एनर्जी में आप आ रहे हो, उसके ठीक नीचे अगर है तो यहाँ पे 2 of cups है और ये क्वीन ऑफ सोर्स है। अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं आता है तो हो सकता है आप ऐसा भी स्ट्रांग फैसला बना ले, दिल पर पत्थर रख करके आप इसको डिटैच करते हैं। आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटिव होने वाले हो, अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़े हो तो आप फेमस भी होने वाले हो, बट यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स है, कुछ हिडन है, कुछ चीटिंग है, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, हेल्थ इश्यू आपके रहने वाले हैं। आप अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं फिर भी अपनी लाइफ बैलेंस करने के, बट ऐसा हो सकता है कि एक सर्टन मोड पर आप खुद ही रिश्ता ख़त्म कर दे, या फिर यूनिवर्स जजमेंट एंड डेथ का कार्ड आया था, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइफ में, ऐसा यूनिवर्स का कर्मा होगा जो कम्प्लीटली आपके फेवर में तो नहीं है, इसका कुछ नुकसान आपको भी होगा बट आपके खिलाफ भी नहीं है। आपकी रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है देखते जाके जा माइकल प्लेस गाइड में, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। के बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, सीक्रेटली भी स्पेल कर रहे हैं आपके ऊपर, हेल्थ खराब हो जाए, रिलेशनशिप बैलेंस ना रहे। 1 2
फोर फाइव। अच्छा विक्ट्री तो हो रही है बट जी फ्यूचर रिलेशनशिप तो अच्छा जा रहा है आपका, बैलेंस कर लेंगे। पेनफुल साइकिल का एंड है। इंटुइटिवली काफ़ी सारी बातें पता है, अपने इंट्यूशन के आधार पर आप अपने लाइफ में विक्ट्री तो ला रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्स अगेन एम्परर, थर्ड पार्टी की वजह से भाई दिल टूटने वाला है क्या फिर से है? नाइन ऑफ फैंड्स, काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, अभी भी है, और सीक्रेटिवली शायद यही बात है, ये थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा आपके पर्सन का। दो सिचुएशन में जगल ये आपको जगलिंग में डालेंगे। लाइफ में विक्ट्री है, मैरिज रिलेशनशिप अच्छी जा रही है, बट आर्ग्यूमेंट भी है। आप तो एक अच्छी पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे लोग आपकी बात सुनते हैं, आपसे एडवाइस लेते हैं, आपसे सलाह लेते हैं। एक स्पिरिचुअल गुरु है, स्पिरिचुअल मेंटोर हो, हाईली स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन आप हो या फिर होने वाले हो आगे चलकर। यहाँ पे प्रोफेसर है, कोई यहाँ पे टीचर है। ओवरऑल आपकी लाइफ में विक्ट्री है, बट जहाँ पे बात रिलेशनशिप की आती है तो भाई थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक है। आपके पर्सन प्यार आपसे भी करते हैं, अप्रोच आपको भी करेंगे, अगर आप उनके साथ मैरिज रिलेशनशिप में उसको भी बैलेंस करने करने की कोशिश करेंगे, बट परेशान आप जब तब होते हो कि कोई रिश्ता सीक्रेटली आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी से कैरी कर रहे हो, तो ये बात आपको अपने आप में पेन में डालती है। ट्रस्ट इश्यूज आपके होने वाले हैं। रिलेशनशिप में मुझे कोई ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। हाँ आगे क्या होने वाला है, मुझे डेथ आया था तो मेजर शिफ्ट होगा, या तो आप अपना नज़रिया बदल दो, या तो आपको कुछ ऐसे एक्शन लेनी पड़ेगी, एक थॉट प्रोसेस को आपको कंप्लीटली चेंज ही करना पड़ेगा। यही गलत हो जा रही है आपके लिए। डियर केन माइकल प्लीज गाइड मी, यहाँ पे टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? देखिए या तो आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ने वाले हो आप, एक मुझे बार बार दोनों बार मैजिशियन हाई प्रिस्टेस चार डिक चेंज कर लिए मैंने, वो आ रही है। स्पिरिचुअल अवेकन हाईली सक्सेसफुल पर्सन आप बनने वाले हो, अपने लाइफ का जैसे कि पूरा कंट्रोल आप अपने लाइफ में ले रहे हो। आप हर पेन को, हर पेनफुल सिचुएशन को, हर हर पेनफुल साइकिल को एंड करके अपने लाइफ का पूरा कंट्रोल, पूरा जिम्मा आपने अपने ऊपर ला ले लिया है। वो पावर आप में आती हुई दिख रही है कि आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ ला सकते हो। बट बच के रहना कुछ ऐसे लोगों से जिनकी निगाह आपके ऊपर टिकी है, जो आपको हार्म करने के लिए रेडी है। ऐसा पेंटेकल, क्योंकि आप क्रिएटिव बनेंगे, वन वन के एनर्जी आ रही है अगेन, तो भाई आप उतने ही स्ट्रांग हो, उतने ही पावरफुल हो। बट देखिए यहाँ पर कुछ बातें सीक्रेट है। अगेन हाई प्रिस्टेस एंड मून स्पेल, मैंने वही बोला ना स्पेल होगा। कोई आपसे आपकी लाइफ की शुरुआत नहीं होने देना चाह रहा है, आप स्टेबल हो रहे हो ना, ये किसी को भा नहीं रहा है। या तो आपका रिलेशनशिप किंग ऑफ फैंस, हाई प्रिस्टेस को क्लियरिफाई करें, किंग ऑफ फैंस आपका किंग तो भाई आ जाएगा। ये आप भी बहुत एक्शनेट हो रहे हो, आप पावर आप ले लीजिए तो भाई इस किंगडम का राजा या रानी भी आप ही बनने वाले हो। स्पिरिचुअल भी पावर आपकी गेन हो रही, और मैनुअल पावर भी आप काफ़ी गेन करने वाले हो। स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन पे आप जा रहे हो बिना कोई परवाह किए बगैर, भी पीछे क्या हो रहा है, क्या कुछ कर रहा है, आपको कुछ लेना देना है नहीं। बट खुद को स्ट्रांग करने के लिए जितनी एनर्जी, जितनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो ले लेंगे आप, अगर ऐसा नहीं तो आपको लेनी चाहिए। बट आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में मुझे रीयूनियन, बाहर घूमना फिरना, एक एंजॉय करना, पार्टी टाइम एंजॉय करना, एक विक्ट्री मुझे दिख रही है। तो आप करते हैं।
अगर किसी पर्सन ने आपको खरमेट मोड में डाला था, आइसोलेशन मोड में डाला था, तो उसके लिए आपको अपोलॉजी मिलने वाली है, एक दिशा आपको मिलने वाली है, एक लव के एनर्जी में आप कन्वर्ट होने वाले हो। अगर आप अभी बहुत सख्त हो गए अपने आप को लेकर, तो बाद में आपकी एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि इस आइसोलेशन मोड में आपकी हाईली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, सेल्फ लव की एनर्जी में जैसे आ गए हैं। वो अपोलॉजी भी मिलने वाली है आपको लोगों से जिन्होंने आपको हर्ट किया है। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? मुझे टेम्परेंस की एनर्जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वाइब दिखाती है, जैसे कि बैलेंस कर लिया पर्सन ने अंदर जितना कुछ चल रहा है, एंड झगड़े आपके लाइफ में तो होने वाले, बहुत कुछ झगड़े होने वाले, बट वो बैलेंस हो जाएंगे फाइनली। फोर ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्वीन ऑफ पैंट्स, फोर ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई करें, क्वीन ऑफ पैंट्स, जी हाँ क्वीन आप ही हो, किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं। आपने भाई इंटिटिवली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली अपने मैरिज रिलेशनशिप में पूरा कंट्रोल कर लिया है। फाइव ऑफ पैंट्स क्वीन ऑफ सोर्ड, झगड़े होंगे, झगड़े आर्ग्यूमेंट ऐसे ना हो जाए, ये कंप्लीट डिटैच करने की एनर्जी में आपने आ रही है भाई। आप एक बात मुझे भी लग रही है, कोई आपको आर्ग्यूमेंट करने करेगा ना, तो आप इनको बहुत इंटेलिजिबली आप इनको जवाब देने वाले हो। पहले अगर आप कम्युनिकेशन में हारते थे, इस बार ऐसा नहीं होगा, आप हर आर्ग्यूमेंट में आपकी जीत होगी, क्योंकि बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल, इंटेलेक्चुअली आप हर चीज़ का सामना करने वाले हो। आपकी आंखों से पट्टी निकल गई है। झगड़े कितने भी क्यों ना हो, आप बैलेंस करने में सक्षम हो जाएंगे। फाइव की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे, हेरोफेंट की एनर्जी क्यों होंगे, बॉसी बनने वाले हो आप आगे चलकर, बॉसी। इस गाइड में आके नहीं मारते, हेरोफेंट क्यों है यहाँ पे, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल टीचर, मेंटर, जी हाँ। आप अगर ऐसा कोई करियर ढूंढ रहे हैं ना, जहाँ पर किसी स्पिरिचुअल मेंटर हो, स्पिरिचुअल गुरु हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड ऐसा कोई काम आप कर रहे हो, तो भाई उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्षम, स्ट्रांग, पावरफुल, सक्सेसफुल होने वाले हो। आपके दिन ब दिन क्लैरिटी स्ट्रांग होगी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आप अपने इंट्यूशन के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको मिलने वाली है। सामने वाला कन्फ्यूज करें ना करें, आप अपने इंट्यूशन के आधार पर, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हर बात की क्लैरिटी तक पहुंचने वाले हो। एक शुरुआत, बहुत क्लियर कट शुरुआत और सक्सेसफुल शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। एक प्रमोशन मिलता हो मुझे दिख रहा है आपके लिए, बताइए। थ्री ऑफ सोर्स के नीचे की एनर्जी बारे में, हार्ट ब्रेक की एनर्जी पे विक्ट्री पाएंगे, हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आगे भी रहेंगे ना, बट रिलेशनशिप में ऐसा कुछ आपके पर्सन की ओर से आपको अफेक्शन मिलने वाला है, तो निकल जाएंगे आप इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी में, थर्ड पार्टी चली जाएंगे आपके और आपके पर्सन के लाइफ से, और यही आपके लिए विक्ट्री इस मोमेंट रहेगा। एम्परर की एनर्जी क्यों है इंजन, कम्युनिकेशन कम है। अगर किसी के मस्कुलर लाइन ने भाई ब्लॉक किया है, बातें नहीं हो रही थी, सडनली आपका कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया था, तो वहाँ पे दिख रहा है कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। या फिर किसी कंपनी में आपने अप्लाई किया था, आपको वहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था, बिल्कुल कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया था, तो उस कंपनी से आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर कोई जॉब के लिए देख रहा है। जी हाँ, ऐसा कोई पर्सन था जो बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक था, बातें नहीं करता था, एक्सप्रेसिव नहीं रहता था, उस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर चेंज होने वाली है। आप खुद अगर ऐसी एनर्जी में थी कि आपने सबसे डिटैचमेंट में चले गए थे, बात नहीं कर रहे थे, कटे कटे रह रहे थे, तो आगे चलकर आप बहुत बातों नहीं होने वाले हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होने वाला है। आप खुद करें या फिर आपके साथ कोई नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन इज ऑन द ऑल केस। जी आप है नाइन ऑफ फैंस, ट्रस्ट इश्यूज आपको बहुत है, बट डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन बोल रहे हैं कि अब इतना ज़्यादा ट्रस्ट इशू अपने लाइफ में मत रखो, आपके ऊपर हमारी दृष्टि है, कृपा है, हम देख रहे हैं आपको। आप भी ऐसा है कि आपके लाइफ में कुछ भी इशू होते हैं, तो आप ईश्वर को, ईश्वर के साथ तुरंत चले जाते, तो कि प्रभु मुझे, मेरी रक्षा करो, प्रभु रक्षा करते हैं आपकी, मिलियो में, यही मैसेज है।
कुछ कर्म आपके साथ होगा, बस आप बिलीव करो, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। चलिए फेरीज की क्या गाइडेंस है आपके लिए देखते हैं। पता नहीं मेरा काम इतना इतना एक्सटेंड हो रहा था ना, मैं जितना जल्दी जल्दी करने के लिए सोच रही हूँ वैसे पता नहीं बीच बीच में क्या कैसे कैसे काम आ रहे थे मुझे। रात के 2 बजे टाइम मिला मुझे। जो फेरी प्लीज गाइड मी, आप क्या गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों के लिए। Come together, shine from within. जी हाँ, आपके अंदर में जो स्पार्क है ना भाई, उसके ऊपर ध्यान दो, फिर देखो कैसे आप चमकते हो, कैसे शाइन करते हो। फेरी सब मिलजुल के आपको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है कि भाई ट्रू ब्यूटी लाइज इनसाइड, अंदर की खूबसूरती। यहाँ पे मैं बोलूँगी अंदर की स्ट्रेंथ जानो, अंदर में जो आप एक पावरफुल एक आर्मी हो, वहाँ उस स्ट्रेंथ को पहचानो, टूरिस्ट करो लाइफ में भाई, चहकना सीखो महकना सीखो, एंजॉय कीजिए। डिप्रेशन में देखिए क्या मिलने वाला है। फेरी स्पॉटिंग, जी हाँ फेरी तो आपके ऊपर है, फेरी आपके सराउंडिंग है, सब कुछ है, बस आप बिलीव कीजिए और इनको कॉल कीजिए हेल्प के लिए, ये हमेशा रहेंगे। डिविनेशन यहाँ पे सब, यहाँ पे मुझे यही बात ये आ रही है कि एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन। जी आपके सब एबिलिटी है, सब कुछ आपके अंदर है, एक स्ट्रेंथ है, पावर है, हैप्पीनेस है, खुशी, सब कुछ अंदर है। वहाँ तक जाओ, वहाँ तक पहचानो, वहाँ तक समझो। ये जो डर मिलता है ना आपको आउटर दुनिया से, ये कुछ भी नहीं रहता है जब आप उस अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेते हो। यही फेरी स्पॉटिंग क्या बोल रहे हो, इट्स टाइम टू फेरी स्पॉटिंग, इट सेड दैट सीज इज बिलीविंग, जो दिखता है उस पर भरोसा रखो। देखिए यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहूँगी कि फेरीज आपको दिखेंगी नहीं बेटा, फेरीज आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये आपको आप महसूस कर सकते हो। तो उन महसूस करने वाली आंखों से देखने की कोशिश कीजिए कि फेरी इज ऑलवेज विथ यू। मैनिफेस्टेशन, अपने मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग कीजिए, अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट कीजिए, मीन्स ड्रीम देख के छोड़ो मत, उसका पीछा करो। जब तक ड्रीम ट्रू नहीं कम हो तुम सच्चाई में नहीं तब्दील होते, तो तब तक भाई ड्रीम का पीछा करना चाहिए। सपने भी ऐसे देखो जो आप सच कर सकते हो, तभी इसके पीछे भागो। ऐसा कोई सपना देखेंगे जो नहीं होने वाला, मैम आप बोल रहे हो हम तो भाग रहे नहीं, मिलने वाला नहीं। जब आपके बस में ऐसे सपने देखो फिर सब कुछ होगा, मीन्स भरोसा रखो और उनको प्रोटेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया आपने, फिर आपके सपने आप खुद ही नहीं कंप्लीट करेंगे तो क्या दिवाइन से आप बोलेंगे। मैनिफेस्टेशन अपने स्ट्रॉन्ग करो। म्यूजिक, यहाँ पे कौन डिप्रेशन में है भाई, म्यूजिक सुना कीजिए, हेल्प हो जाएगी आपको। फ्रेंडशिप, जी हाँ अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कीजिए जिनके साथ जुड़ने में आपको भाई बहुत अच्छा फील होता है, वाइब्रेशन हाई होती है, आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करते हैं। अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ आप मिलिए जुलिए, टाइम स्पेंड कीजिए। कहाँ पे गए एक मैसेज, प्रीशियस एनर्जी, प्रीशियस टाइम, मून की एनर्जी है, मूनलाइट की एनर्जी में जाओ और मूनलाइट की एनर्जी ग्रैप करो। मूनलाइट की एनर्जी इमोशनली बहुत स्ट्रांग करती है, आप अगर डिस्टर्ब हो ना तो मूनलाइट की एनर्जी आपको बहुत बैलेंस करती है। सिर्फ कम से कम 20-21 दिन तक ही करो मून के
बोलेंगे 15 दिन मौन रहता है, 15 दिन नहीं रहता, जितने दिन मौन रहता है भाई उतने दिन जाओ, बट वो मौन की एनर्जी आप लो। तो और मुझे बताओ, गैजिंग गैजलिंग करो, मौन की एनर्जी में जाओ, बातें करो, जो कुछ अपने अंदर का स्ट्रेस है वो रिलीव कर दो, और मौन देवता को बोलिए कि आपकी ऊर्जा से हमें हील कीजिए, हमें इमोशनली मेंटली साइकोलॉजिकली हमें स्टेबल कीजिए, हमें बैलेंस कीजिए। 10 मिनट करो सिर्फ इतना, जितना स्ट्रेस है उतना बाहर निकाल दो। निकालने के टाइम बोलो कि अब मैंने सब कुछ अपने माइंड बॉडी सोल थॉट से सारा स्ट्रेस निकाल दिया है, ये स्ट्रेस निकाल दिया, वो स्ट्रेस निकाल दिया, मैं खाली हो गई हूँ, मैं फ्री हो गई हूँ। हे चंद्र देवता, हमें अपनी ऊर्जा से शक्तिशाली बनाओ, पावरफुल बनाओ, हमें बैलेंस बनाओ। और उसके बाद बोलो कि हाँ मैं बैलेंस हो चुका हूँ, अब मैं बहुत पहले से अच्छा बेहतर फील कर रहा हूँ, फील कर रही हूँ। उस मून एनर्जी को लो, फिर देखो लाइफ में कैसे इंद्रधनुष आएंगे आपके, ऐसे पर आपको मिलेंगे, फिर जहाँ चाहेंगे आप उड़ सकेंगे, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये थी एनर्जी गाइस, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी आप डेफिनेटली मुझे बोलना, और इस चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।